हेलो गाइस, दिस इज शत्रुघ्न एंड यू आर वाचिंग जी ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट यानी कि जलवायु, लेसन नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल। गाइस, ये चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड है जो कि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आते, तो मैं आपको इस चैप्टर को केवल क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में समझाऊंगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इस वीडियो का बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा चैनल ढूंढने की जरूरत बार बार ना पड़े। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट को। दरअसल इस वीडियो में टोटल आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे यानी कि 10 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में रहेंगे, दोनों ही मीडियम्स के लिए रहेंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि यहां पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर भी उसके साथ में लिखा पड़ा है। क्वेश्चन है वेदर क्या है, वेदर माने मौसम, किसे बोलते हैं मौसम। मैं आपको समझाता हूं, किसी भी सर्टेन टाइम पर यानी आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम मान सकते हो, जैसे कि आप 10 बजे मान सकते हो सुबह के, या आप रात के 9 मान सकते हो, या फिर आप शाम के 7 बजे मान सकते हो, या फिर आप दोपहर के 2 बजे या 3 बजे मान सकते हो। आपका जो मन कर रहा है आप एक टाइम मान लो। उम्मीद करता हूं आपने टाइम मान लिया होगा। मान लिया आपने मन में अपने टाइम, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ, जो टाइम आपने अभी माना है अपने मन में, चाहे वो दिन का हो या रात का हो, उस टाइम पर आपके यहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, कैसा रहता है आपके आसपास का माहौल? क्या ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, या ज्यादा ठंडक रहती है, या फिर बहुत तेज हवा चलती है, या हवा बिल्कुल नहीं चलती है? कैसा रहता है उस टाइम पर आपके आसपास का इन्वायरमेंट, माहौल कैसा रहता है आपके आसपास का उस समय पर, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर के हो, चाहे वो आपका हवा को लेकर के हो, चाहे वो गर्मी और सर्दी को लेकर के हो, चाहे वो बारिश को लेकर के हो, क्या इन्वायरमेंट रहता है आपका, कब? उस टाइम पर जो अभी आपने माना है, कोई भी टाइम आप मान सकते हो, तो वो उस टाइम का वेदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेदर। यानी जो टाइम आपने अभी अपने मन में माना है, उस टाइम पर जो भी हवा चल रही है आपके आसपास में, तेज या धीरे, गर्म ठंडी मौसम आपके यहां पर है, या फिर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, धूप आ रही है या नहीं आ रही है, बादल है या नहीं है, जो भी कंडीशंस हैं उस समय पर जो भी आपने माना है आपके आसपास में, उसको बोलेंगे आपके यहां का वेदर। और ये चेंज हो सकता है। अभी आपने जो टाइम माना है उस पर मान लीजिए आपके यहां पर कोई आसपास में जो भी कंडीशन है, क्या वो 2 घंटे बाद चेंज हो जाए, क्या पता वो 3 घंटे बाद चेंज हो जाए, क्या पता वो कल सुबह तक चेंज हो जाए, वो कंडीशन चेंज भी हो सकती है। मान लीजिए अभी आपके यहां पर थोड़ा आपको गर्मी फील हो रहा है आसपास में, क्या पता कल सुबह तक थोड़ा ठंडक फील हो जाए या बारिश आ जाए, व्हाटएवर। तो जो वेदर है वो चेंज हो सकता है कभी भी, एनी टाइम, 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, व्हाटएवर। और वेदर किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपको एक बस टाइम मान लेना है, कुछ भी एक टाइम आप मान सकते हैं, आपके आसपास जो माहौल होगा उस टाइम पर वो आपका वेदर यानी मौसम कहलाएगा। तो गाइस, हम बात करते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ जो कि यहां पर है। चलिए, तो हमारा जो आंसर नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है कि मानसून किसे कहते हैं, व्हाट इज मानसून, व्हाट डू यू मीन बाय मानसून। अब ये मानसून क्या होता है, देखिए गाइस, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि मानसून हम किसको कहते हैं। एक साल के अंदर, कितने साल में, 1 ईयर, एक साल के अंदर जो हमारी हवाएं होती है ना, हवाओं मतलब विंड्स यानी हवाएं यानी एयर, जो हमारी विंड्स होती है ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है कई बार, कई बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे कि कुछ हवाएं जो होती हैं वो चलती हैं किधर साइड से, वेस्टर्न विंड्स, ओके, यानी पश्चिमी हवाएं, कुछ होती हैं ईस्टर्न विंड्स यानी कि पूर्वी हवाएं, कुछ होती हैं नॉर्थर्न विंड्स यानी दक्षिणी हवाएं, और कुछ होती हैं साउथर्न विंड्स यानी दक्षिणी हवाएं, और नॉर्थर्न विंड्स यानी उत्तरी हवाएं। तो गाइस, इस तरह से हवाएं होती हैं जो कि एक सर्टेन साइड में, डायरेक्शन में चलती रहती हैं। तो ये हर साल के अंदर कई बार चेंज होती हैं, यानी कि इस महीने में, मान लीजिए इस महीने की अगर बात कर रहे हैं, सपोज दैट आपकी जो हवा चल रही है वो चल रही है मान लो पूर्वी हवा, मान लीजिए जो हवा चल रही है अभी आपके आसपास में घर में वो पूर्व की तरफ चल रही है, किस तरफ चल रही है, ईस्ट की साइड, ईस्टर्न विंड चल रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगले महीने भी वही हवा चले या 2 महीने बाद वही हवा चले, हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो जो हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता रहता है इसी को हम बोलते हैं मानसून, और यही यहां पर आंसर में लिखा हुआ है गाइस, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें नोट जरूर करते जाइएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 की, क्लाइमेट किसे कहते हैं।
व्हाट इज क्लाइमेट, जलवायु क्या होता है? सिंपल सी बात है, ऐसी कंडीशन जो जल्दी नहीं बदलती, 30 साल, 40 साल, 50 साल। वैसे आंसर में 30 ईयर्स लिखा है, 30 साल लिखा है आंसर में, बट मैं कह रहा हूं 40 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, उससे भी ज्यादा शायद, क्या पता। ऐसी कंडीशन जो कभी बदलती ही नहीं जल्दी बहुत टाइम तक, उसे बोलते हैं वहां का क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, आप जब से पैदा हुए हो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा या अपने दादा दादी से पूछिएगा, भारत में हमेशा सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों आते हैं। ऐसा कोई साल निकला है जब आपके यहां पर बारिश ना हुई हो? ऐसा कोई साल निकला है जब आपके यहां पर गर्मी ना पड़ी हो? क्या ऐसा कोई साल निकला है जब भारत के अंदर सर्दी ना आई हो? थोड़ी थोड़ी या ज्यादा हो सकती है सर्दियां, बट आती जरूर है, गर्मियां आती जरूर है, बारिश होती जरूर है। ये भारत का क्लाइमेट है। अब मैं आपको बात करता हूं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की आप बात करिए, फिर आप बात कर लिए आयरलैंड की, स्कॉटलैंड की, न्यूजीलैंड की, वहां का क्लाइमेट क्या है? वहां पर स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ की बारिश होती है। स्विट्जरलैंड के अंदर कैसी बारिश होती है? बर्फ की बारिश होती है। एक साल नहीं, पिछले कई सालों से वहां पर बर्फ की बारिश हो रही है, और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। गर्मियां तो वहां के लोग जानते नहीं है। वहां पर जून के महीने में भी हाफ स्वेटर पहना जाता है, इतनी गर्मी वहां पर, सॉरी इतनी ठंडक वहां पड़ती रहती है। तो वहां का क्लाइमेट है, क्योंकि वो बहुत सालों से चेंज ही नहीं हो रहा, रूटीन जैसा है वैसा का वैसा ही है। कई सालों से वहां पर बर्फ की बारिश हो रही है, गर्मियां वहां के लोग जानते नहीं है, तो ये वहां का क्लाइमेट है। जैसे इंडिया का क्लाइमेट है कि हमारे यहां पर गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों आते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए आप वेस्ट इंडीज का, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर। लोग ना प्लास्टिक के कंघे का इस्तेमाल नहीं करते, उनके कंघे भी मेटल के बने होते हैं, जिससे वो बाल काटते हैं, क्योंकि इतने मोटे उनके बाल होते हैं। वहां बहुत गर्मी पड़ती है, वहां के लोग ना सर्दियों को जानते नहीं है ज्यादा। वहां पर दिसंबर के महीने में भी लोग ज्यादा ठंडक महसूस नहीं करते, क्योंकि वहां का ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट माने ऐसी चीज जो जल्दी बदल ही नहीं सकती, वहां पर बहुत सालों से वहां के लोग यही झेल रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम क्लाइमेट, जो जल्दी चेंज नहीं होता। यहां पर केवल 30 साल लिखा है, लेकिन 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, उससे भी ज्यादा आप मान सकते हैं। ओके गाइज, तो ये तीन अभी हमने आंसर देखे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज बोर मत होइएगा, थोड़ा देखते रहिए, लिखते रहिए, काफी इंटरेस्ट आएगा अभी आपको आगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये रहा, इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर दिन में भी वही टेम्परेचर रहता है, लगभग लगभग रात में भी वही टेम्परेचर रहता है। अब भाई मेरे यहां तो ऐसा नहीं है, और शायद आपके यहां पर भी ना हो। दिन में कुछ और टेम्परेचर रहता है, रात में कुछ और टेम्परेचर रहता है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर दिन में और रात में सेम टेम्परेचर ही रहता है, लगभग लगभग, एग्जैक्टली सेम नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट लगभग लगभग टेम्परेचर सेम होता है। पहला तो केरला है, केरला में दिन और रात दोनों का टेम्परेचर लगभग लगभग सेम होता है। और दूसरा आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार, यहां पर भी आपका टेम्परेचर डे और नाइट में लगभग लगभग सेम रहता है। दिस वॉज योर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। नाउ गाइस हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल आपको पता है हमारे यहां पर बारिश कब होती है? हमारे यहां पर बारिश कब होती है? आप कोई बोलेगा सर जुलाई में, कोई बोलेगा सर सितंबर में भी थोड़ा बहुत होता है, कोई बोलेगा सर जून के लास्ट में स्टार्ट हो जाती है, कोई बोलेगा सर अगस्त में तो होती होती है। तो वही जून के लास्ट में, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर तक बारिश हमारे यहां पर होती है, हमारे यहां पर तब तक बारिश होती है। बट हमारे यहां पर नहीं, भारत के लगभग हर एक स्टेट में ऐसा होता है, बारिश सबके यहां लगभग इसी टाइम पर होती है। यस और नो, मैं सही बोल रहा हूं ना? ऑफ कोर्स यार, आई एम राइट। बट भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, कुछ ऐसा स्टेट भी है, कोई ऐसी जगह भी है जहां पर बारिश इन मौसम में नहीं होती जिनकी अभी हमने बात करी है। वहां पर बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर में। तो वही कहां पर क्वेश्चन नंबर आपका लिखा पड़ा है अगला, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां पर अक्टूबर और नवंबर के बीच में बारिश होती है, वहां पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगभग लगभग बारिश नहीं होती है। है ना मिरेकल, है ना अच्छा आंसर। चलिए गाइस, तो अभी आपने ये देखा, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरियालिस फोर्स, व्हाट इज कोरियालिस फोर्स? बड़ा अजीब नहीं है? पहली बात तो आप इस फोर्स को देख नहीं सकते। इसको क्या यार, हम किसी भी फोर्स को देख नहीं सकते, क्योंकि फोर्स जो होती है ना वो अपीयरेंट होती है। अपीयरेंट का मतलब हम उसको केवल फील कर सकते हैं कि फोर्स लग रही है, बट हम उसे देख नहीं सकते। तो कोरियालिस फोर्स इज अ अपीयरेंट फोर्स, ये एक अपीयरेंट फोर्स है, हम इसको देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और ये फोर्स बनती कैसे है,
जब हमारी अर्थ रोटेट करती है यानी गोल गोल घूमती है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है यानी गोल गोल घूमती है तो जो फोर्स बनती है उसे बोलते हैं कोरियालिस फोर्स। तो दिस वॉज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि क्या कोरियालिस फोर्स हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे एटमोस्फियर पे असर डालती है? यार बहुत बड़ा असर डालती है गाइस, रियली। दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कोरियालिस फोर्स हमारे एटमोस्फियर पे कोई इफेक्ट डालती है, असर डालती है? बिल्कुल डालती है। दरअसल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो, मैं आपको बताया था मानसून वाले आंसर में कि जो विंड होती है, जो हवाएं होती हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कभी वो साउथ से चलती है, कभी वो नॉर्थ से चलती है, कभी वो ईस्ट से चलती है, कभी वो वेस्ट से चलती है। कैसे डायरेक्शन चेंज होता है? कोरियालिस फोर्स की मदद से जो हमारी विंड्स होती है, हवाएं होती है, उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है गाइज। ओके, जैसे कि कोई हवा चल रही है उसको ये राइट में मोड़ देंगी या फिर किसी को लेफ्ट में मोड़ देंगी, तो ये विंड्स का डायरेक्शन चेंज कर देता है, इतना ज्यादा जबरदस्त फोर्स होती है ये अर्थ की। मैं यहां पर ग्रेविटेशन में फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो भी अर्थ की ही फोर्स है, मैं यहां बात कर रहा हूं कोरियालिस फोर्स की, जो कि धरती के रोटेट करने पर, घूमने पर पैदा होती है। सो गाइज दिस वॉज योर क्वेश्चन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेट स्ट्रीम। व्हाट इज जेट स्ट्रीम? क्या आपको पता है ट्रोपोस्फियर क्या है? यार आपने एटमोस्फियर के पार्ट पढ़े क्या? नहीं पढ़े आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ट्रोपोस्फियर कहां पर है। तो जो हवाएं ट्रोपोस्फियर के अंदर चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, पहली बात तो वो कहां चलती हैं? ट्रोपोस्फियर में। वो जो हवाएं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराएं, और इनकी जो स्पीड है आप यहां पे देख रहे हैं 110 और 180 के आसपास लिखा हुआ है, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये हवाएं क्या होती हैं? जो कहां चलती हैं? ट्रोपोस्फियर में चलती हैं, बहुत तेज स्पीड से, उनको बोलते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम। दरअसल ये हवाएं होती हैं, बट इनका नाम जेट क्यों रखा गया? क्योंकि ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जहां पर हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, जिस लेयर में हमारे जेट्स माने हवाई जहाज होते हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं, वो उड़ते हैं उस लेयर में, ट्रोपोस्फियर के अंदर। तो इसीलिए इसका नाम, जो हवाएं चलती हैं उस लेयर के अंदर ट्रोपोस्फियर में, उसको हम जेट स्ट्रीम या जेट धाराओं के नाम से जानते हैं गाइज। तो गाइज ये था आपका आंसर गाइज, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गर्मियां आती हैं, हमारे यहां तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर भी गर्मियों में भी जो पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहां पे पहाड़ होते हैं वहां पे ठंडक रहती है, ज्यादा नहीं लेकिन रहती है, ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में तो गर्मियां होनी चाहिए ना हर जगह पर, वहां धूप नहीं पड़ती क्या? धूप तो पड़ती है, फिर वहां पर गर्मियां क्यों नहीं होती? देखो गाइज यहां पर डिफरेंस आता है हाइट का। किसका? हाइट का यानी ऊंचाई का। आपको पता है आप जितना नीचे जाओगे उतनी ही ज्यादा हवाएं आपके एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। सर ये एटमॉस्फेयर क्या है? आपको तो ये छोटे क्लास में पढ़ना था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हम जहां पर खड़े हैं, चाहे कमरे में, चाहे हम छत पे खड़े हो, चाहे हम बाहर खड़े हो, सड़क पर, कहीं पर भी खड़े हो, अगर हम सांस ले रहे हैं तो वहां पक्का हवा तो है, यानी एटमॉस्फेयर वहां पर भी है। एटमॉस्फेयर का मतलब जहां पर हवा हो उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ज्यादा मैं डीपली डेफिनेशन में इसमें नहीं जाने वाला। तो गाइज आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना आप नीचे जाते हो वहां पर उतनी ही ज्यादा हवा होती है। क्या सर वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है? अरे नहीं गाइज, वहां पर हवाओं के जो टाइप्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी हवाएं वहां पर होती हैं। जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा हवा होगी, जितना ऊपर जाओगे उतनी कम हवा होती है, जितनी ऊंची हाइट पर जाओगे उतनी हवाएं जो होती है वो कम होती चली जाती है, और एक टाइम पर तो जो ऑक्सीजन होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। तभी तो जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो जब ऊपर जाते हैं ना तो ऑक्सीजन साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो ऑक्सीजन भी नहीं होती है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे आप हाइट पे, आपका जो एटमॉस्फेयर है ना वो खाली होना शुरू हो जाएगा, उसमें से हवाएं जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी आपका एटमॉस्फेयर खोखला होता चला जाएगा ऊपर जाते जाते, और जैसे ही आप नीचे आओगे आपका एटमॉस्फेयर भरता चला जाएगा, नई नई हवाएं जो है उसमें आकर जुड़ती चली जाएंगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, नाइट्रोजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ये जुड़ती चली जाएंगी जितना आप नीचे आओगे। जितना आप ऊपर जाओगे हवाएं जो है वो खाली होती चली जाएंगी। तो जब हवाएं खाली हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो उसको बोलते हैं जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम हो गई है, और जब हवाएं भर जाती है एटमॉस्फेयर में तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो जब हम ऊपर जाते हैं गाइस तो जो एटमॉस्फेयर है ना उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है बहुत ज्यादा, जिस वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से जो टेम्परेचर है ना वो भी कम हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो गर्मी कम हो जाएगी, यानी ठंडक लगेगा, थोड़ा ठंडा महसूस होगा। इसलिए गाइस गर्मियों के अंदर जो पहाड़ होते हैं वहां पर थोड़ी ठंडक ज्यादा रहती है गर्मियों में भी, क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है
ऊंचाई के कारण वो थोड़ा खोखला हो जाता है, उसमें से हवाएं थोड़ी बाहर निकल जाती हैं, यानी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसलिए वहां पर थोड़ा हमें ठंडक महसूस होता है। गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो होते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उस पर असर डालते हैं, किन किन वजह से क्लाइमेट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। यहां पर पॉइंट्स लिखे पड़े हैं, बस आपको पेपर में ही लिखना है, इस आंसर को मैं समझा नहीं सकता क्योंकि उसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है, केवल पॉइंट है आपको याद करना, आपको पेपर में लिखने हैं। गाइस आप मुझे बताइए वीडियो कैसे लगा, मेरी वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा, वो आ जाएगी 2 या 3 दिन के अंदर। प्लीज बने रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय।